बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यहां से प्रवासी चोटी जीत दर्ज करेंगे, वो सीधे जीतते ही 20,000 की राशि में वो संग करेंगे, यानी कि वो प्राइस के दौर में टीम शामिल होगा। ऐसे दौर है नित्यपुर टीम, इन दोनों टीमों के बीच थर्ड राउंड का पहला मुकाबला, काफी बड़ी महत्वपूर्ण मुकाबला होगी। लड़की रात भर का मेहनत देना इस मैच से कुछ जीतते ही उनका पूरा पूरे उनको लाभ मिलेंगे। इस हजार लगातार दो मैच में विकास व्यक्तिगत गोल दागी है, इस रेस में देखना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मैच है दोनों टीमों के लिए। यहाँ जो भी टीम जीतेंगे उसके प्राइज में सटेंगे, टीम हार का सामना करेंगे, ये पूरी तरह से इस ओपन टूर्नामेंट से बाहर होंगे। ये बड़ी चुनौती भरा ये मुकाबला, तो प्रभास जी आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। ये ऐसे मोड पर दोनों टीम आ चुका है, नाइट गेम आए थे हम, 10 बजे आएंगे तक, 10 बजे पहुंचेंगे। जो टीम हार का सामना करेंगे वो खाली हाथ उनको वापस जाना पड़ेगा। क्या इस विषय में तन्नी तो घर चल गया प्रभाव जी? देखिए मनराम जी, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला बोलो और काफी अहमियत रखने वाली मुकाबला, क्योंकि ये जो मुकाबला है बोल मुकाबला बड़ा भी है और मुकाबला कड़ा। आदितपुर नाइट गेम बड़ा इसलिए, ये जो भी टीम जीत दर्ज करेंगे प्राइस के दबदबा बन जाएंगे। हां तो ठीक है, तब हम 10 बजे आएंगे, जो अभी तो राइट गेम में है। और जहां तक से चलना चाहिए तू और टाई वाले मुकाबला करो या हां तो ठीक है, हम दे देंगे उसको। अगर ये मैच में आप हार का सामना करेंगे खाली हाथ या होकर वापसी करना पड़ेगा, जीत दर्ज कर जाएंगे तो कम से कम 20,000 नगद इनामी राशि के साथ आप प्राइस के बदल बन जाएंगे। यहाँ पे पुनः रान गुराटी में खिलाड़ी को घोषित करते हुए प्रसन्न करते हैं प्रयास, उछाल भरी शॉट मोमेंटम के होने के यहाँ पे कोशिश कर रहे थे जब के खिलाड़ी यहाँ पर अपने साथियों के सरकाते हुए रान घोड़ा की तरफ से ये खिलाड़ी गेंद को घोषित करता हुआ और विसल मुझे रॉन्ग टैकल करना चाहेंगे जैसे उठाई अपने संतुलन को रोकने का है। और व्हाइट ब्लू के कॉम्बिनेशन में जो टीम तैनात है ये टीम है डी आर की स्क्वाड आदित्यपुर। इसके बाद सेकेंड क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे आप दोनों टीमें। एसएससी साथ बोनी बनाम जय जगन्नाथ पुरी, वहीं के मुख्य कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीम को तैयार रहने के लिए। फिलहाल यहाँ पर गेंद को क्लियर करता हुआ जिस नंबर 5 आदित्यपुर टीम के खिलाड़ी डी आर की टीम यहाँ पर गेंद को कोशिश करने के बाद बैक पास डालता हुआ जिस नंबर 11 के लिए और चार ओवर मुआयना करने के बाद एक शॉर्ट डिस्टेंस पास अपने साथी के लिए बाएं छोर से हमला बोलने के लिए तैयारी। पुनः एक जमीनी पास और धीरे धीरे आक्रमण की तैयारी हो रही थी तब तक विपक्षी टीम गेंद को रोकने में कामयाब रहा। इसी दौरान यहां पर विसल गुजी है, एक निर्णय आई है, डी आर की स्क्वाड आदित्यपुर रक्षक होंगे। डी आर किस्कू आदित्यपुर टीम के खिलाड़ी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पर बिजली बजा चुके हैं मैचर जी गोपाल मुर्मू जी, कमाल का शॉट और उतनी बेहतरीन पंचिंग बेहतरीन टाइमिंग के साथ और इस प्रकार से कोरोना घोषित करने में कामयाब रहे डी आर किस्कू आदित्यपुर जी। रात को जब हम सगुंदराम वो नाइट मैच था एक नमन खान सिंगर खुना सिंह ना खेल हम चबा करना लगभग आर 2 घंटा का मैच सारे जगह गया और वह चप्पे कबरे चैंपियन टीम लगी थे मेरा 50,000 टका रहा नगद इनामी राशि, रनर्स अप टीम लगी थे 40,000 रहा नगद इनामी राशि, तीसरा प्लेस और चौथा प्लेस लगी थे मेरा और मेरा जहाँ जीतते रहो और इसके दिल आना जाए जहाँ हरा बाड़ी से फंदा जाए उनका मैच करना रेड गोरा टीम हरियर जैसी थे और डी आर किस क्वालिटी का टीम फूल में सलीम जैसी थे मेरे दिन गोल गोपाल मांगू ये करना मैंने टेक्निकल जोन देगी बड़े मध्य प्रवेश कर सी में कहां पर चेस्ट डाउन करने के बाद गेंद अपने कब्जे में लेते हुए
और इसी बीच में कामयाब पूरी सही दिशा से बचा कमाल का किक और उससे भी लाजवाब बचा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और अगर यहाँ पे रिप्ले का व्यवस्था होता कम से कम इस सीनरी को 5-6 बार दोहराया जाता। क्या कहना चाहेंगे बलराम सिंह? जब से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सीधे आप एएफ आदिपुर के बैनर तले चैंपियन का प्रोमिनेंट फुटबॉल टूर्नामेंट को आप लोग बारीकी से आप लोग देख सकते हैं। अभी भी इस रेस का लाइव पूरी तरह से इस WFA जब से तो यूट्यूब चैनल प्रोपराइटर अरुण सरकार इस मैच को अपने कैमरे में कैद करता हुआ, जिनको भी मैच देखना हो कल या शाम को परसों या कभी भी तो ये प्रोमिनेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सीधे आप इस WFA झांसी की यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। तो चलिए मजे की बात यह है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट दौर है और इस दौर में एक दूसरे को जीत ही यहाँ पर नजर आ रही है। कोई भी टीम यहाँ पर हर पसंद नहीं करना चाहेंगे प्रभास, दोनों ही टीम के बीच जिस तरह से कड़ा और बड़ा मुकाबला के बीच बराबरी पर चल रही है, ये हेडअप परेड नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि कौन सी टीम होंगे जो कि ये पहला मैदानी गोल को तब्दील करने में सफलता जीत करेंगे। बिल्कुल राम जी, विकल्प बहुत है मार्ग भटकने के लिए, विकल्प बहुत है मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर संकल्प के साथ खेलता हुआ तुम्हारी टीम है लंबी की गेंद को रोकता हुआ के सहारे और गेंद को रिलीज किया गया है फिलहाल डी आर किस्को आदित्य पुन टीम के खिलाड़ी गेंद को कोशिश करने के बाद ड्रिबल करने के प्रयास, लेकिन सटीक किक नहीं, फिर भी गोलकीपर ने गेंद को अपने बाहों में भर लिया है और इसी बीच गेंद को रिलीज करता हुआ NBC राइड घोड़ा प्राप्त करते हुए धीरे धीरे अपने साथी खिलाड़ी को गेंद प्रदान करते हुए एक साझेदारी को क्रिएट करना चाहेंगे। तेज रफ्तार से ड्रिबल जश्न रुपाई टीम की तरफ से, ये है कृष्णा हेब्रम और कृष्णा के द्वारा किक लिया गया था मैच को दर्शाते हुए मैच रेफरी मिस्टर गोपाल मुर्मू इस मैदान में टिके हुए हैं, उनको असिस्ट करते हुए मैदान के पूर्व दिशा में मिस्टर शंकर आस्था जी और मैदान के पश्चिमी दिशा में मिस्टर मोहन मार्टी जी। फिलहाल पुनः गेंद को पहुंचिंग करते हुए एक ग्राउंड एक पास एक जमीनी पास और अपने साथ खिलाड़ी की दिशा में रिलीज करना चाहिए, गेंद भी प्लेट हुई है और विस्टिल ये बहुत बड़ा गलती, अपने पाँव को बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक घुमाया था, नतीजा फ्री किक का मौका कोशिश करेंगे विपक्षी टीम और चीय टीम है डी आर किसान आदि तबूर। इसी बीच में धनकर की सूचना प्रदान तमाम टीमें तैयार रहेंगे और सभी के सभी में सब काफी महत्वपूर्ण रहेगी प्राइज में जाने के लिए उम्दा खेल को दर्शाना होगा। फिलहाल यहाँ पे तेज रफ्तार से ड्रिबल करता हुआ राणगोड़ा टीम के खिलाड़ी जमीनी पास मौके को क्रिएट करना चाहेंगे राणगोड़ा टीम के खिलाड़ी, लेकिन गेंद को क्लियर किया गया है और कॉर्नर किक का मौका जिंकी राणगोड़ा टीम के लिए जिंकी बेहतरीन क्लियरेंस और जवाबी हमले के लिए तैयारी होगी। यहाँ पे तेज रफ्तार से गेंद को ड्रिबल करता हुआ 10 नंबर के खिलाड़ी, चार गेंद को अपने काबू में रख पाएंगे जी नहीं, सुरक्षा पंक्ति काफी मजबूत और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के भांति ये वॉल टिकी हुई है। पुनः गेंद कोशिश करने के बाद गेंद को रिलीज किया गया, एक समांतर पास सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी अपनी पोजीशन में चेंजिंग करते हुए एक उमदा पास डालते हुए जी बिल्कुल राइट फ्लैंक से जहां पर क्रॉस और उतनी लाजवाब हेडर और दोनों ही टीम के खिलाड़ी यहां पे हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हार को स्वीकार करना उनके कुंडली में लिखी गई नहीं है। फिलहाल यहां पर जूझ रहे हैं अपनी पहली सफलता के साथ एक खिलाड़ी को बीट किया और यहां पर गेंद रिलीज करना चाहा तब छीने गए हैं और एक लॉन्ग कट की गेंद के करीब पहुंचने के लिए दोनों ही टीम के खिलाड़ी प्रयास करता हुआ और यहां पे फाउल जी बिल्कुल फाउल हुई है और मैच रेफरी गोपाल मुर्मू जी उनको नसीहत देते हुए और चेतावनी भी वार्निंग मिली है कोशिश मिली है कि आप इस प्रकार से पांव को इतनी ऊंचाई तक ले नहीं सकते, विपक्षी टीम के खिलाड़ी को चोट पहुंचाना ये कतई
समर्थन नहीं किया जाएगा और यहाँ पे पुनः राजगढ़ टीम के खिलाड़ी गेंद को मोशन करने के बाद पास थ्रू बॉल लेफ्ट फ्लैंक से गेंद को रिलीज किया गया है और गेंद चल के गोल आया समाप्त। आदित्यपुर टीम धन्यवाद देना चाहेंगे जय जगन्नाथपुरी की टीम को और इसी साथ मोहन आप भी जल्द से जल्द टेक्निकल चोट के करीब आ जाएंगे। दूसरे हाफ में दोनों टीमें अपना 100% प्रदर्शन करने के लिए प्रयासरत है लेकिन नतीजा अब तक आया नहीं है और इसी बीच यहाँ पर एक लंबी की मौका बन सकता है। यहाँ पर एक खिलाड़ी का पीट किया कमाल का शॉट लेकिन उतनी जबरदस्त बचाव पोजीशनिंग को देखना पड़ेगा। लेकिन आप जी जिस प्रकार से आपने आपको पोजीशनिंग किया है कोई गेंद नहीं मिली कोई आजादी नहीं मिली और जैसे गेंद को रिलीज किया गया खुद अपने स्थानों में ले लिया गेंद और गोलकीपर की चतुराई को ताक देना पड़ेगा। यहाँ पर मौका जवाबी हमला और कंप्लीटली वाव मोमेंट कहना चाहेंगे निरंतर प्रयास की जा रही है और अब तक खतरा खड़ा नहीं है। टेंशन जम गेंद गेंद को रिलीज किया गया गेंद विकेट भी चल गए और हमारे मेडिकल टीम कृपया करके मैदान के अंदर प्रवेश करें। खिलाड़ी चोटी बहुत चोट कितनी गंभीर है ये देखने वाली बात। आदित्यपुर की तरफ से अच्छी की मेडल के लिए प्रयास और यहाँ पर गेंद की प्राप्ति के बाद गेंद को रिलीज किया गया है लेकिन इतना के साथ गेंद को रिसीव करते हुए राजगढ़ टीम के खिलाड़ी गेंद को क्लियर किए आसपास के गेंद और उससे पश्चात पाइप लाइन से आक्रमण करने के लिए योजना और इस सूचित योजना के मुताबिक खेल को दर्शा नहीं पाए गेंद गेंद से बाइक को प्रॉपर स्वागत है चल रहा ऐसे भी खेल अनिश्चितताओं से भरा खेल होती है। जल्दबाजी में गिना काफी गलत भी साबित हो सकता है। हमें अगर इस मैच का परिणाम अगर हमें जानना है तो अंतिम समय तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकती है और मैच में अब तक अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला एंटीवी मैच एक कॉन्टेस्ट भरा मुकाबला देखने को मौका मिल रही है चाहे वह डी आर किशको आदित्यपुर टीम की तरफ से हो या क्यों ना यहाँ पर एन बी सी राहुल टीम की तरफ से हो बराबरी का मुकाबला अब तक खेलता हुआ और ये दूसरे हाफ का मुकाबला का अंतिम पड़ाव पर खेलता हुआ इस बार मौका मिल सकता लेकिन शील गेंद सीता यहाँ पर टीम डी आर किशको आदित्यपुर उजले और नीले पहुंच सकती थी यहाँ शायद पोषण हो सकता है। ये दूसरे हाफ के अंतिम समय यहाँ पर किक लिया गया ब्लू स्टार किक लेंगे और एक बेहतरीन किक ना भी तो नहीं हुआ और यहाँ पर कमाल के किक ब्लू स्टार का सीधा पर पोस्ट के क्रॉस पर कर अंदरूनी हिस्से पर आकर सीधा क्रॉस पार को क्रॉस करते हुए इस प्रकार से अगर देखा जाए तो डी आर किशको आदित्यपुर टीम के खिलाफ टूरू सोरेन ने इमेजिंग स्कोर दागता हुआ। प्रभास इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिक्र में टूरू सोरेन अपने अपने खोनहर खिलाड़ी हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है आपके शब्द ही आपका पहचान बनाएगा नुनाराम सिंह जी भारत के साथ फिर से यहाँ पर इस मैच में बिल्कुल कब्बे करने की कोशिश करना चाहिए यहाँ पर आदित्यपुर टीम के खिलाड़ी पर रेमो रेमो साथ ही खिलाड़ी छोड़ता हुआ राइट फ्लैंक से देख बिल्कुल अलग ही सामने होंगे किशन बिल्कुल सी टीम के खिलाड़ी किशन एक ऐसे मजे में खिलाड़ी है कि किसी भी खिलाड़ी को उनको आगे ही उनको आगे होने नहीं देते हैं मजे और जबरदस्त खिलाड़ी और इसे